से आ रही ये बड़ी खबर, दो युवतियों पर एसिड अटैक, बाइक सवार दो युवकों ने फेंका तेजाब, एक युवती 20% झुलसी, नागरिक अस्पताल में कराया गया भर्ती, अलाहाबाद के वार्ड नंबर 6 की घटना। एसिड अटैक का ये मामला, अलाहाबाद से आ रही बड़ी खबर, नागरिक अस्पताल में युवतियों को कराया गया भर्ती, दो युवतियों पर किया गया है एसिड अटैक, बड़ी खबर अलाहाबाद से, एक युवती 20% तक झुलसी, दो युवतियों पर एसिड अटैक का ये मामला, बाइक सवार दो युवकों ने फेंका तेजाब, एक युवती 20% तक झुलसी और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, नागरिक अस्पताल में कराया गया है भर्ती, बड़ी खबर इस वक्त की अलाहाबाद से। बाइक सवार दो युवकों ने फेंका तेजाब, बड़ी खबर अलाहाबाद से आ रही, दो युवतियों पर ये एसिड अटैक किया गया है, एक युवती 20% तक इस हमले में झुलसी है, फिलहाल दोनों ही युवतियों को नागरिक अस्पताल में कराया गया है भर्ती। हरियाणा के अलनाबाद से आ रही ये बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सुरजीत स्वामी। सुरजीत, जरा बताएं ये एसिड अटैक की घटना जो है ये कब सामने आई और क्या कुछ पता चल पाया है इस घटना के बारे में? कायना जी, ये एसिड अटैक है, सुबह 10 बजे की घटना थी। महिला, दो महिलाएं हैं, जो महिला ये अपने ससुराल से अपने पियर आ रही थी, तो रस्ते में इनके कोई जान है दो लड़के, उन्होंने इन पे एसिड अटैक किया और इनका कोई पैसों के लेन देन का हिसाब बताया जा रहा है। तो जो पीड़िताएं हैं, क्या उनका बयान दर्ज हो गया है पुलिस को? इन्होंने इस बारे में कोई जानकारी दी है? हमलावर कौन थे, देख पाई हैं, पहचान हो गई है? हाँ, हमलावर उन्होंने देख लिए हैं, उनकी पहचान हो गई है और अभी तक है जो मैंने पुलिस थाना से जो संपर्क किया था तो उन्होंने ये बताया कि जैसे ही हॉस्पिटल से हमारे पास MRI के सैंपल आते हैं उसके बाद हम ये पर्चा दायर करेंगे। सुरजीत, जिन युवतियों पर एसिड अटैक हुआ था उनकी अभी क्या हालत है, कितनी ज्यादा झुलसी है? एक युवती 20% तक झुलसी है, उस वो किस अभी अवस्था में है? वो जो 20% झुलसी है वो अभी तक सही है और डॉक्टर ने ये कहा है कि अगर इनको कोई ज्यादा दिक्कत आती है तो इनका सिरसा रेफर किया जाएगा, नहीं तो एलनाबाद उपमंडल के नागरिक अस्पताल में ही इनका इलाज किया जाएगा। और जो आरोपी है उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी? उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने ये बताया है कि नाके लगा दिए गए हैं और जैसे पर्चा दाखिल हो जाता है हम उनकी आगे का जो कार्रवाई हो आगे के पर्चा दाखिल होने के बाद करेंगे। तो घटना के पीछे के कारण पैसों का लेन देन ही बताया जा रहा है? हाँ जी, घटना के पीछे का कारण पैसों के लेन देन का ही बताया जा रहा है और आरोपी है जो लड़की के रिश्तेदारी में ही है। बहुत शुक्रिया सुरजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो पैसे के लेन देन को लेकर ये घटना अंजाम दी गई, अभी तक ये खबर निकलकर सामने आई है। हालांकि जिन दोनों युवतियों पर ये अटैक हुआ था एसिड अटैक, गनीमत रही कि बहुत ज्यादा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा है। डॉक्टर ने भी कहा है कि ज्यादा घबराने की और परेशान होने की कोई बात नहीं है, लेकिन पुलिस जो है आरोपियों की तलाश में नाकाबंदी कर खोजबीन कर रही है।